14 40,000। हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज संग्राम सिंह। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं मैं हमारे अपने चैनल पे। तो आज एक बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, कष्टों के बाद मैंने आज एक चीज खरीदी है जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया, मैंने कैमरा खरीदा है और वो कैमरा है कैनन का। मैंने इसे खरीदा है वाशी इनऑर्बिट मॉल फर्स्ट फ्लोर कैनन शोरूम से एंड इट इज हियर। ये कौन सा कैमरा है कैनन का, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये ब्लॉग के एंडिंग में या मिडिल पार्ट में बता दूंगा। और मेरे घर वालों को कोई आइडिया नहीं है कि मैंने ये खरीदा। उनको पता था कि मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं खरीद लूँगा, तो अभी वो पूरी तरह अनजान है। तो मैं डायरेक्टली इसके बाद घर पे जाऊँगा और उन्हें सरप्राइज करूँगा और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। मतलब मेरी खुशी का कोई मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। मैं इसे चाहे तो एक स्टोरी की तरह व्लॉग करके आप लोगों को दिखा सकता था, लेकिन जो ये ताज़ा रिएक्शन है ना, ये जो ताज़ा खुशी है, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाता। अगर मैं एक स्टोरी बना के आप लोगों को प्रेजेंट करता। तो अभी पीछे से आ रही है ट्रेन, तो आवाज़ आएगी, इससे अच्छा हम डायरेक्टली घर पे मिलते हैं। घर जाने से पहले एक और छोटा सा काम करना बाकी है। हम हिंदुस्तानियों की ऐसी परंपरा, जब कभी ऐसा कोई नया मेहमान घर में आता है, कोई नया सामान घर में आता है, तो हम उसकी आरती करते हैं। अब आरती करते हैं तो कुछ मिठाई भी तो चाहिए, है ना, सभी लोगों का मुँह मीठा करने के लिए। यहाँ से पेड़ा लड्डू खरीद लेते हैं, वरना वो लोग क्या कहेंगे कि भैया अपने लिए इतना महंगा कैमरा ले लिया और हमारे लिए लड्डू पेड़ा मिठाई कुछ भी नहीं लेके आया। हम हिंदुस्तानी को पता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, तो ये जो खुशी है हमारी दूसरों के साथ भी बांटेंगे, उन्हें मिठाई खिलाकर। ये वाला दे दो, ये वाला। तुम्हारा नाम क्या दोस्त? पारस। और तुम्हारा नाम? अशोक। और तुम्हारा नाम भाई? राकेश कुमार। अरे बाप रे बाप। तो मिठाई भी खरीद ली गई है और सब कुछ हो गया, बस इंतजार है घर पे जाने का। घर के एकदम नजदीक आ गए हम लोग, यही पीछे मेरा घर है। और मेरा भी एक्साइटमेंट लेवल, मेरी जो दिल की धड़कन है थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि हम एज ए मिडिल क्लास फैमिली जो अमाउंट स्पेंड किया मैंने इसके लिए, वो बड़ा अमाउंट होता है। और हमारे मॉम डैड कैसे रिएक्ट करेंगे हमें कुछ पता नहीं होता। अभी डायरेक्टली जाते हैं घर पे। तो फिलहाल घर में तो आ गया हूँ मैं, मेरी मॉम मुझे यहीं पर नीचे मिल गई। मेरी मॉम को मैंने अभी तक बताया नहीं है कि मैंने कुछ खरीदा और मैंने कुछ लाया है। कैमरा है, कितने का है? 40,000। क्या बोलते साई तू, जितना था गणपति के पास ना बीच में? तो मेरी मॉम तो नीचे मिल गई, उन्होंने देख लिया कि मैंने क्या लाया। अब फाइनली है ये सरकार जी की रागनी, ये कैमरा लिया मैंने, जो बोला था कि वो कैमरा लेना है वही कैमरा लिया है। इतना ठंडा रिएक्शन। अच्छा। इंडियंस के घर में कोई नई चीज आती है, कोई नया सामान आता है, तो उसकी पूजा की जाती है, उसकी आरती उतारी जाती है। तो ये आरती का सामान रेडी हो गया यहाँ पर, उनका एक्चुअली सर दर्द दे रहा है, तो इसलिए उन्होंने बांध लिया है कपड़ा। तो यही था दोस्तों आज का एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। जब मैंने मोबाइल लिया था, मुझे कैमरा वगैरह इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। पहले मेरे पास मोटो ही सेकंड जनरेशन था, आई वाज कंप्लीटली हैप्पी विद दैट कैमरा, लेकिन बस वीडियोस बनाने के लिए मैंने कैमरा लिया कि अच्छी क्वालिटी आए। अरे नहीं नहीं, एक तो याद आ गया, मैं तो आप लोगों को बताना भूल गया मैंने कैमरा लिया कौन सा है। मैंने जो कैम लिया है, ऐसा कहा जाता है कि ये बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा है, कैनन G7X Mark II। ये कैमरा के साथ मैंने बस एक एक्स्ट्रा बैटरी ली है और ट्राइपॉड भी लेने वाला था मैं, लेकिन ट्राइपॉड नहीं लिया क्योंकि ट्राइपॉड बहुत मोटा था, एकदम हाथी जैसा, तो मैंने नहीं लिया, वो हाथ में ही फिट नहीं हो रहा था। अगर ट्राइपॉड ले रहा तो मैं बोरा बाजार जाऊंगा मुंबई CST और वहां पर जाकर मेरे हिसाब से कोई अच्छा ट्राइपॉड, अच्छा क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो अच्छा ट्राइपॉड लूंगा। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया गया है क्योंकि हमें व्लॉगिंग वीडियोस हमेशा के लिए बनाने हैं, किसी भी हाल में बंद नहीं करने हैं। अगर बंद करना होता तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। और अब तक मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है यूट्यूब पे विद जीरो इनकम, इसका एक अलग ब्लॉग बनेगा। तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बी अ फैमिली मेंबर ऑफ संग्राम सिंह ब्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।